अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे के दोनों इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी सदर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के दो इल्जामात थे। तहरीक की मुखालफत में 52 जबकि हिमायत में 48 वोट आए। अराकीन पर मुश्तमिल सेनेट में सदर ट्रंप के खिलाफ ताकत के गलत इस्तेमाल के आर्टिकल की मुखालफत में 52 और हिमायत में 48 वोट आए। कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के इल्जाम की मुखालफत में 53 वोट और हिमायत में 47 वोट आए। ताकत के गलत इस्तेमाल के आर्टिकल से मुतालिक वोटिंग में रिपब्लिकन सेनेटर मिट्रोमनी ने भी ट्रंप की मुखालफत में वोट दिया। डेमोक्रेट्स के जेर कंट्रोल ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को ट्रंप के मुआखजे की मंजूरी दी थी। ट्रंप को अहदे से हटाकर घर भेजने के लिए 100 अराकीन पर मुश्तमिल ऐवान में 2/3 अक्सरियत दरकार थी। तहम यहाँ ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है जिसके 53 वोट हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने अपने सियासी हरीफ जो बाइडन से तफ्तीश के लिए दबाव डालने के सिलसिले में यूक्रेन की फौजी इमदाद पर पाबंदी आयद की थी। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।